हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जय श्री राम। मुझसे कोई गलती हो जाती है तो जय श्री राम, क्योंकि यह टेलर है हमारे प्रभु श्री राम का। दोस्तों, अगर बात करें टेलर की, जितनी हाइप बनी हुई थी इस टेलर की, इस मूवी की, दोस्तों जितना ऑडियंस पागल थी यह टेलर देखने के लिए, वैसा ही रियल देखने को मिला है। दोस्तों, अगर हम टेलर की बात करें, टेलर काफी अच्छा है दोस्तों। परफेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कमियां हैं दोस्तों, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आदि पुरुष का लास्ट टीजर आया था, अगर उससे कंपेयर करें टेलर काफी बेहतर है दोस्तों। टीजर आया था, टीजर देखकर लोगों ने अपने निगेटिव रिव्यू दिए थे, इस मूवी को कार्टून से कंपेयर करने लगे थे। लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है ओम राव, काफी अच्छा काम किया है बेहद पर और इस मूवी पर दोस्तों, जो देखने को मिला है हम लोगों को टेलर में। दोस्तों, बात करें टेलर के किरदार की, जो हनुमान जी का रोल निभा रहा है वो काफी कुछ मिलता है दोस्तों, काफी सही लग रहा है हनुमान जी का किरदार। दोस्तों, सेकंड नंबर पर आते हैं लक्ष्मण जी का किरदार, जो निभा रहे हैं सन्नी जी, जो काफी ठीक ठाक लग रहा है। जितना उन्हें टाइम मिला है काफी परफेक्ट दिया है उन्होंने अपनी तरफ से। और वहीं बात करें प्रभु श्री राम की, जो रोल निभा रहे हैं प्रभास। दोस्तों, प्रभास को तो आप जानते हैं, उन्हें लोग जब भी देखते हैं तो बाहुबली के किरदार में देखते हैं, वैसा ही कुछ देखने को मिला है टेलर में। दोस्तों, उनका किरदार ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम का नहीं, एक बाहुबली का लग रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है, मिलता जुलता लग रहा है दोस्तों। प्रभु श्री राम की जो तस्वीर हम लोग अपने दिलों में छाई हुई है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बचपन में जो रामायण देखी थी, उसमें जो प्रभु श्री राम थे के मुस्कुराते हुए थे, उनका जो किरदार था बहुत खूबसूरत, मतलब एक ऐसा लगता है वाकई में ये भगवान है दोस्तों। वही छवि हमारे दिलों में, हमारी आंखों में बसी हुई है श्री राम जी की। लेकिन इसमें प्रभास जी एक एंग्री मैन दिख रहे हैं दोस्तों, और लग ही नहीं रहा कि भाई ये प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा है, मैच नहीं हो रहा दोस्तों, उतना परफेक्ट नहीं बैठ रहा है प्रभु श्री राम का किरदार दोस्तों प्रभास के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि बाहुबली के किरदार में है प्रभास, मिलता जुलता लग रहा है, मैं बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं बता रहा हूँ। और बात करें सीता माता की, तो सीता माता का किरदार निभा रही हैं कृति सनन। भाई जितना भी स्क्रीन पर देखने को मिला है सीता माता का किरदार कृति सनन में, भाई एकदम औसम है, मैं औसम कहूँगा भाई, काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की है सीता माता के किरदार में कृति सनन ने। बात करें रावण के किरदार की, तो रावण का किरदार निभा रहे हैं सैफ अली खान। रावण का किरदार टेलर में काफी हाइड करके रखा गया है दोस्तों, सिर्फ दो बार झलक देखने को मिलती है, पहले जब वो सीता माता का अपहरण करने आते हैं, दूसरा जब टेलर का दी एंड होता है। लेकिन बैक दिखाया जाता है सैफ अली खान का, फेस क्लियर नहीं दिखाया जाता दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों, कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्रभास के फैन हो तो यह मूवी देखने जरूर जाइए, और देखने जरूर जाइए दोस्तों, क्योंकि प्रभु श्री राम की मूवी है दोस्तों। ऐसी मूवियाँ कोई भी नहीं लाता दोस्तों, बहुत कम मूवियाँ बनती हैं रामायण पर या भक्ति पर दोस्तों, तो जरूर देखने जाएं।